इंदौर में भले ही कोरोना की रफ्तार धीमी होने के दावे किए जा रहे हों, लेकिन जो नए मामले सामने आ रहे हैं वो प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें बढ़ाने के लिए काफी है। दरअसल इंदौर के एक निजी अस्पताल के दो डॉक्टरों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें बढ़ गई। हालांकि दोनों डॉक्टरों के उपचार में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि दोनों डॉक्टर जिस अस्पताल में सेवा दे रहे थे, अब वहां भर्ती मरीजों व उनके परिजन और स्टाफ की जाँच की जानी है और बीते 15 दिनों की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग भी की जानी है। सोमवार को जिला प्रशासन ने शहर के मध्य क्षेत्र राजवाड़ा के इमली बाजार स्थित अर्पण नर्सिंग होम को सील करने का निर्णय लिया। इसके पहले प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल में भर्ती मरीजों को क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया। इसके अलावा संक्रमित डॉक्टरों की कॉन्टेक्ट हिस्ट्री के साथ ही केस हिस्ट्री भी पता की जा रही है, ताकि संपर्क में आए लोग प्रशासन की नजरों में रहे और उनकी सैंपलिंग की जा सके। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ड्यूटी डॉक्टर ने जानकारी दी है कि कलेक्टर के आदेश के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी और अस्पताल के दो डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बता दें कि शहर के मध्य स्थित अर्पण नर्सिंग होम को ग्रीन अस्पतालों की श्रेणी में रखा गया था। ऐसे में यहां के दो डॉक्टर के संक्रमित पाए जाने के बाद कोरोना संक्रमण के फैलाव की आशंका जताई जा रही है। मैम बताएं, ये अर्पण नर्सिंग होम को आप लोग सील कर रहे हैं, क्या कारण रहा है और क्यों सील कर रहे हैं इसको? एसडीएम सर के आदेश अनुसार अभी यहाँ दो जो डॉक्टर हैं वो पॉजिटिव आए हैं, उनके कारण हम ये पूरा नर्सिंग होम सील कर रहे हैं। यहाँ जितने भी पेशेंट्स हैं, जो लोग ड्यूटी पर थे, सभी लोगों का हम लोग अभी सैंपलिंग कर रहे हैं। जितने लोग भी 15 दिनों में इनके संपर्क में आए हैं, सभी लोगों का हम लोग सैंपल करके, और जो यहाँ हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट हैं उन लोगों को हम यहाँ से सैंपल के बाद ही शिफ्ट करें। इसके पहले कोई पॉजिटिव आ चुका है क्या इस हॉस्पिटल में? नहीं, हॉस्पिटल से तो नहीं है, लेकिन बस इस गली में एक जो थे, हॉस्पिटल से तो अभी तक नहीं है, पहला यहाँ से। तो कितने अभी मरीज भी हैं क्या इस हॉस्पिटल के? हाँ, इसमें मरीज हैं, बस उनकी लिस्टिंग चल रही है। तो क्या उनकी पहले जांच होके और फिर कहीं और शिफ्ट करेंगे? यहाँ के डॉक्टरों की भी जांच होगी? हाँ, सभी लोगों की, जो भी यहाँ ड्यूटी पर हैं, जो लोग यहाँ काम करने आते थे, सभी लोगों की हिस्ट्री बनाई जा रही है। जो लोग भी यहाँ पर आए हैं सभी लोगों की। मैम आपका नाम और पद बताइए। हाँ, डॉक्टर श्वेता जमरा, यहाँ पर फिलहाल तहसीलदार से सहायक अधीक्षक। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।